शिवम जी अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, अपना जाति धर्म और अपना पता और नाम छोड़ कर अपना परिचय। सर मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने 6 साल नौकरी की है मल्टीनेशनल कंपनीज में। शुरुआती दौर में मैं एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर था 1 साल। उसके बाद 5 साल मैंने एज ए टेक्निकल सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे काम किया है। 2021 में मैंने जॉब छोड़ करके तैयारी शुरू की है और उससे 2023 तक अभी मैं 67 BPSC के इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और आपके समझ सर। अच्छा, आपने आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? सर मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री। हिस्ट्री है। अच्छा, आपने आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है? जी सर। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा आपने? जी सर। अच्छा, बताइए हमें हिस्ट्री के फादर कौन कहा जाता है? सर हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे हेरोडोटस? ग्रीस। ग्रीस रहने थे। अच्छा, मध्यकालीन भारत के एक शासक का नाम बताइए मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसको आप वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना कर सकते हैं, उनके कुछ कार्य से कुछ रिलेशन हो उनका। एक राजा का नाम बताइए, मुगल काल और सल्तनत दोनों को मिलाकर आप बता सकते हैं, कोई एक राजा का नाम जिसका थोड़ा सा छाया नरेंद्र मोदी में आपको दिखाई देता हो। वर्किंग लुकिंग हिसाब से नहीं बताना है आपको, वर्क के हिसाब से बताना, जो काम का था कुछ कॉमन कार्य। जी सर, तुलना कर सकते? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र के हिसाब से कौन हो सकते हैं। सर मैं अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे कि सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना पहली बार किसने किया था? कृषि विभाग का सर सर कोई नहीं, बोले डरिए मत, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस आप आराम से जवाब दीजिए, जो जवाब है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। सर मैं गेस करना चाहूँगा सर। बिल्कुल गेस कीजिए सर। कृषि विभाग सबसे पहले सर तुगलक काल में कौन था राजा? सर इरिगेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर वो सर तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में। मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा बताइए आप, इक्तदारी व्यवस्था क्या था? सर इक्तदारी व्यवस्था में सर ये सर जैसे आज का हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसी के मॉडल पर था सर, कि लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और उसका पूरा मेंटेनेंस वगैरह करना और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके जो दिल्ली सुल्तान होते थे उनको पहुँचाना। अच्छा, ये था इक्तदारी व्यवस्था का, कन्फर्म है यही था उत्तर? जमीन तो दी जाती थी सर, लेकिन वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए फिर कुछ और भी था। इक्तदारी व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय है। जी सर। डायोड क्या होता है? ओम का नियम क्या है? सर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इक्वल्स टू RI होता है सर। RI इज रेसिस्टेंस, I इज करंट, तो
ओम के लॉ में बोलते हैं कि जितना अगर किसी वायर के थ्रू कितना करंट प्रभावित होगा वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस उसमें। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल किसने दिया था? फ्लेमिंग सर। और राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग के ही लेफ्ट दोनों दोनों नहीं का? राइट हैंड रूल नहीं का है सर। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों नहीं का है? जी सर। कंफर्म है? मैक्सवेल का नाम सुना है? मैक्सवेल का नाम सुना हूँ सर। मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग ने दिया था लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। राइट हैंड रूल मैक्सवेल ने दिया था, अलग अलग एक ही व्यक्ति ने। ठीक है सर। क्या नाम आपका? शिवम। शिवम सिंह जी। सो यू हैव डन बीटेक है ना? यस। व्हाट वाज योर पासिंग ईयर? सर 2015। 2015। Can you tell me what electrical engineering is? Sir, it is a study of electrical systems, electrical system in a whole, in which we study about different components of electrical system. What are the components of electrical engineering? Sir, it includes machines. Yes, sir. It includes machines, including AC and DC machines. Power system, where we study about generation of power, distribution and transmission of power, and all those electronic components also, with like electrical drives and all these things which are auxiliary, which are useful in. Can you differentiate between AC and DC motor? Sir, AC motor and DC motor, we transformer. Transformer, what is transformer? Sir, transformer is used to step up and step down voltage at a constant frequency. It means to increase the voltage of any incoming or outgoing current, sir. Suppose current is too low, in what ratio will transformer will be able to increase its current? Can you please repeat or rephrase? Suppose incoming current is too low. Okay, so it's not so that it will be increased to 1000 times or 5000 times. So there should be an approximately ratio. In which ratio will it increase? Sir, it depends upon the turns ratio, sir, between the primary and the secondary winding. Depends upon the turns ratio. Have you heard of Benjamin? Sir, I have heard, but I cannot recall from where, which sector. Benjamin Franklin, he is related to US, but not sure about him, but I have heard his name, sir. You have heard? Cannot recall? No, sir. जी सर। जी सर, MBA किए थे डिस्टेंस है। अच्छा, और उस पर मैं हम सेल्स में काम कर रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? सर, इन सेल, सर सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एज सच मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग इज अ डिपार्टमेंट अंडर विच सेल्स इज वन पार्ट ऑफ दैट। इन सेल्स वी पर्टिकुलरली आर इंटरेस्टेड और कंसर्न अबाउट सेलिंग और कंप्लीशन ऑफ sales cycle of a product, which includes selling of product and collection of payment as well. But marketing includes the entire gamut of activity which are related for product selling or product, like product sale, product promotion, advertisement, sales, development of catalog or whatever, branding, etc. All these things comes under marketing. Okay, that means marketing in wider terms then sales? Yes sir. Okay. इसमें जस्ट आपका ट्रेवलिंग का है, तो इसमें मतलब अगर इंडिया में आपको घूमने के लिए बुलाया जाए तो कहाँ आप घूमना पसंद करें? सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अभी इंडिया का जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज का नाम बता सकते हैं? सर, मेघालय में है। नाम नाम मैं थोड़ा देर के लिए मिस कर रहा हूँ सर, लेकिन मेघालय में है। मेघालय में? जी सर। और अगर आपको साउथ में घूमने के लिए बोला जाएगा तो आप कहाँ घूमना पसंद? सर, मैं एक बार साउथ में विशाखापट्टनम गया था। अच्छा। तो मुझे सबसे साफ सुथरा और सबसे ऑर्गेनाइज शहर विशाखापट्टनम लगा सर। मुन्नार कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? सर, मुन्नार की खाड़ी। सर,
मुन्नार की खाड़ी मुन्नार हिल सर कॉफी एस्टेट किस कॉफी एस्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु बॉर्डर पे मुन्नार वहीं पर सर केरला में सारी सर फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या पेपर पढ़ा इंजीनियरिंग में सर फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल था फिजिक्स था मतलब बेसिक फिजिक्स बोलते बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल के पेपर्स थे सर कंप्यूटर का एक पेपर सी लैंग्वेज सी पढ़ना था और बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन से यही सर चार पांच पेपर्स थे सर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने नहीं पढ़ा हाँ सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था सर ये फर्स्ट ईयर सॉरी सर यस सर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको कुछ याद है सर 8-11 साल का सर आई कैन नॉट रिकॉल फाइनल ईयर में पेपर्स कौन कौन से सर फाइनल ईयर में सर पेपर्स थे फाइनल ईयर में पावर सिस्टम एक पेपर था सर जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे और कंट्रोल सिस्टम भी एक पेपर था ड्राइव्स के पेपर्स थे प्रोजेक्ट था सर ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मुझे याद हैं 2000 आपने बोला यू आर एट जॉब इन व्हिच कंपनी वर यू एट सर इनिशियली आई गॉट अ कैंपस सिलेक्शन इन माय कॉलेज एंड आई गॉट प्लेस्ड इन ए इंडियन कंपनी नेम्ड पेरिनियल टेक्नोलॉजीज बेस्ड एट पुणे सो इन दैट कंपनी आई हैव वर्क्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर व्हाट वाज योर जॉब प्रोफाइल आउट देयर आई वाज वर्किंग एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर आई वाज मेंटेनिंग डीजल जेनसेट्स maintenance of diesel gensets, all those from 5 kVA to 1000 kVA gensets. And after that, I have switched into valvoline Cummins. We have DG sets and we have online inverters, right? Yes, sir. So, why do people prefer online inverter or why do they prefer DG sets? Okay, what is the basic difference when we have these DG sets? Right, so why do we need online inverter or सर ऑनलाइन इन्वर्टर विल गिव यू अ डीसी करंट डीसी सप्लाई वेयर अ जेनसेट विल गिव यू डज इट मेक द डिफरेंस बोथ विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मींस आई एम टॉकिंग अबाउट यूजिंग एप्लीकेशंस राइट इफ आई एम यूजिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इन माय होम तो वेयर इट विल मेक डिफरेंस इफ आई एम यूजिंग करंट वाइड इलेक्ट्रिसिटी वाइड डीजी सेट्स और बाय इन्वर्टर्स और यूपीएस सर लाइक वन प्रैक्टिकल डिफरेंस इज this in fans what I have observed based on my practical experience I'm telling you that on when you run a fan on inverter it will give you a humming sound some overheating is going inside and when it is running on alternating current it will run smoothly sinusoidal current and yes, sir why is it so that's what I'm trying to get into why is that difference from where does it come So that basic science I am not able to recall right now. So that must have been taught you in engineering, I guess. Yes, sir. Definitely. But you cannot recall. No, sir. Okay.